हेलो दोस्तों, मैं हूं गगन सागर और आपका स्वागत है गगन की ब्लॉग पे। आज आपको हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहां विद्युत की उत्पादन होती है। 100 किलोमीटर यहां से पड़ती है। आज का ट्रिप मज़ा आएगा, तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग पे, बने रहिए। कुछ दूर जाते ही हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। हमने बिना चेक किए ही गाड़ी को लेके आ गए थे। दोस्तों, आप भी यही गलती मत कर लेना, कहीं जाने से पहले पेट्रोल चेक कीजिए और राइड पे जाइए। चल, यहाँ होटल में बहुत अच्छा खाना मिलता है और नाश्ता मिलता है। होटल है जिसका नाम पानीग्राही होटल है। आप जाइए, मस्त मस्त खाना खाइए, नाश्ता कीजिए। दोस्तों, ये है उड़ीसा की हाईवे रोड, देखते ही बनता है। ऐसा लगेगा आपको कि नया रायपुर आ गया हूँ। उड़ीसा इतना विकसित हो गया है कि रोड के मामले कुछ बोले तो इतना मस्त दोनों किनारे पूरा हुआ है, एक नंबर रोड। कभी आइए घूमने उड़ीसा, आइए, एक नंबर नज़ारा दिखेगा। ये जो नज़ारा है आपको धर्मगढ़ से पार होते ही दिखना शुरू हो जाएगा। आज की नज़ारा देखिए, मज़ा आ जाता है देखने में और ड्राइव करने में भी मज़ा आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, आगे देखते रहिए क्या क्या नज़ारा दिखता है और आपको हम दिखाते रहेंगे अच्छे अच्छे नज़ारे।
पटना इंटर कर चुके हैं। देखिए जय पटना धर्मगढ़ से कुछ ही किलोमीटर पे है। दोस्तों ये जैसे देख रहे हैं आप, ये सब जय पटना की अंदर की सीन है। ये गाड़ी मोटर जो सब देख रहे हैं, जय पटना बहुत ही बड़ा शहर है, देखने में काफ़ी अच्छा भी है। कभी आइए घूमिए जय पटना, बहुत अच्छा रहेगा, जो कि धर्मगढ़ से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए जय पटना की साइड में दुकान लोग लगे हुए हैं साइड साइड। आइए एंजॉय करिए। ये सामने जय पटना की कोर्ट है जो दिख रहा है ये सामने। यहाँ कोर्ट भी लगता है जय पटना का, पता नहीं कौन सा डे लगता है, शायद इतना तो पता नहीं है, तो कभी आइए घूमिए तो पता चल जाएगा आपको। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये जय पटना की कोर्ट है, जस्ट रोड किनारे ही आपको मिल जाएंगे। अंदर बहुत ही भीड़ लगा हुआ है, अंदर से तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हम बाइक में जा रहे हैं, तो बाहर से ही देखिए। कभी आएंगे तो देखेंगे अंदर घूम के, देखना कभी पता चल जाएगा कितना बड़ा है, लेकिन बाहर से तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। दोस्तों चलिए ऊपर से आपको नज़ारा दिखाते हैं, लगभग यहीं से 8 किलोमीटर पड़ेगा, वही ऊपर से आपको ये नज़ारा की घाटी है। तब तक बन गई बहुत ही चढ़ाव है, बहुत बड़ा घाटी है, घाटी का मज़ा लेंगे, आपको घाटी का सैर करा देंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए मुखीगुड़ा डैम, देखते हैं आगे क्या होता है। ये छोटा सा झलक मुखीगुड़ा का।
बहुत ही खूबसूरत। कभी आइए देखिए। बहुत ही बढ़िया है। अब ऊपर चढ़ेंगे तो ये मंदिर जरूर दिखे। ये वही डैम है जहाँ से पानी जाता है, बिजली उत्पादन होती है। देखिए आपको वही नज़ारा भी दिखा रहे हैं, छोटा सा मंदिर भगवान का। अभी जो डैम का नज़ारा दिखाया गया वही अंदर सुरंग से पानी आता है और यहीं पे स्टोर होता है, यहीं स्टोर होके नीचे की ओर बहता है। आपको नीचे की नज़ारा भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये जो बड़ा बड़ा पाइप दिख रहा है इसी से ही नीचे की ओर पानी बहता है, जो कि आपको नीचे से दिखाया गया था। अब ये नज़ारा ऊपर से दिखाया जा रहा है। देखिए वो पानी बह रहा है नीचे, नाली बहुत बड़ा पानी है, बह जाता है जो दिख रहा है। यही से बह के बिजली को उत्पादन होती है नीचे। देखिए वो सामने जो दिख रहा है जहाँ पे पहले ही दिखा चुका था मैं। देखिए कभी आएंगे तो ज़रूर देखना ऊपर चढ़ के। थोड़ा सिक्योरिटी का सवाल है, नहीं तो हम लोग घर पे सोचे थे कि पूरा दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर हमको घुसने नहीं दिया गया। जब कभी भी आप ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ आना ना भूलिए। ऊपर से देखिए, देखते ही बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप आइए ऊपर से देखिए और इंजॉय कीजिए। हेलो, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ये देखो नीचे से मुखीगुड़ा डैम का नज़ारा, वाइट वाला जहाँ से पानी आती है। यो ब्लॉग में हम लोग चारों आए थे, एक जगह वहाँ है, वहाँ खड़े हुए, तीसरा आदमी घूम के आया पता नहीं कहाँ, चौथा आदमी ये झोला झोला पकड़ा है। ए नेट अब चालू।